एक हंसता खेलता घर, दो छोटे बच्चे एंड देयर हैप्पी पेरेंट्स, ये चार लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी निकाल रहे थे कि एक दिन एक मजाक मजाक में चल रहे गेम में इन बच्चों के पापा ने पैसे लगा दिए और हार गए। उन्हें लगा वो नेक्स्ट चांस में ये पैसा रिकवर कर लेंगे, तो उन्होंने एक बाजी और खेली और वो फिर से हार गए। इस बार दिल में डर थोड़ा ज्यादा था और मन में विश्वास काफी कम, पर हिम्मत करके उन्होंने एक बाजी और लगा दी और वो इस बार जीत गए। इस गेम के बाद उन्होंने ये सोचा कि इस गेम में अगर पैसा जाता है तो आता भी जरूर है, और उनके इस बिलीफ के चलते वो ये नहीं देख पाए कि वो अपना पैर इस दुनिया के सबसे खतरनाक जाल में डाल रहे हैं। अब गेम खेलने से आने वाला प्रॉफिट या इस गेम के चक्कर में होने वाला नुकसान इन चार लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। अगर प्रॉफिट है तो घर में खुशी है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, और अगर लॉस है तो चिल्लम चिल्ली। जहां बच्चे रोज चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कलर बुक्स, साइकिल्स और ढेर सारे प्यार को सेलिब्रेट करते थे, वहीं धीरे धीरे करके उन बच्चों में खौफ बन गया। अब उन्हें आइसक्रीम, टॉफीज, कलर्स, कपड़े कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस शांति। वो चाहते थे कि हम सब पहले की तरह शांति से बैठ पाए, पापा के पास जाने में इतना डर ना लगे। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हो पाया। गेम को खेलकर और लॉसेस को रिकवर करने के लिए बार बार खेलने से जो नुकसान हुआ था उसको उतारने के लिए चढ़ गया था काफी सारा कर्जा। होम लोन तो पहले से ही चल रहा था, पर्सनल लोन, रिश्तेदारों से लिया गया कर्जा और क्या क्या नहीं। लोन्स को उतारने का आंखों के सामने कोई खास जरिया दिख भी नहीं रहा था। तो फिर इंट्रोड्यूस हुई शराब, जो किसी चीज का सल्यूशन तो नहीं है पर बहुत चीजों से एस्केप करने का एक बहुत ही कमजोर जरिया जरूर है, जिसने इस परिवार की नींव को हिला के रख दिया। कर्ज तो नहीं उतरे पर दूरियां आ गई, बच्चों के मन से डर तो नहीं गया पर उनका बचपन जरूर छिन गया। साथ रहने की हिम्मत तो कोई नहीं जुटा पाया पर सबके दिलों में दूरी आने की वजह से इन रिश्तों में भी दूरियां बढ़ गई। ये कहानी है एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की, जहां होने वाले लाखों झगड़ों में एक सबसे बड़ा कारण हमेशा पैसा रहा है। ढेर सारा पैसा, एक्सेस ऑफ वेल्थ किसको नहीं पसंद, बट टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एक्सेस ऑफ वेल्थ फॉर टेम्पररी प्लेजर्स कैन लिटरली किल अस एंड मेक अस ऑल फॉल अपार्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, इट माइट बी ट्रू, पर सच ये भी है कि ग्रीड फॉर फास्ट मनी इज अ रीजन फॉर अ लॉट ऑफ ईविल्स एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। आज एक बहुत जनरल बात करते हैं और इस बात के लिए मैं कोई भी रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स को रेफर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं और आप, हम दोनों इस सच्चाई से बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे। अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, एवरीबॉडी नोज द टर्म लोन्स। चाहे आपने कभी लाइफ में खुद लोन लिया हो या फिर आपकी फैमिली में आपने किसी को लोन लेते हुए देखा हो सकता है कि आपका ये लोन अमाउंट रीपे हो चुका हो या फिर शायद आप आज भी इसकी किस्तें भर रहे हो, पर लोन के बारे में जानता हर कोई है। जहां मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारी जिंदगी बदल सकता है, वहीं लोन या उधार पे लिया हुआ पैसा हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकता है। ये वो आग है जो बहुत से घरों में लग जाती है, कभी कोई मजबूर होता है तो कोई अय्याश। You'll be literally shocked to know that Money and Mental Health Institute की 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड जैसे नेशन में हर साल 4,20,000 से भी ज्यादा लोग बैड डेट या फिर लोन्स की वजह से सुसाइड करने की सोचते हैं। This is not it. Let me tell you about our own country. According to a survey, इंडिया में हर दिन 15 से ज्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं because of loans and bad debts. स्टैट्स कहते हैं कि 2018 से 2020 के बीच में 16,091 लोगों ने इंडिया में सुसाइड कमिट किया ड्यू टू बैंक्रप्सी। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कर्ज की जरूरत या कर्ज उतारने की चिंता सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को ही होती है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि पैसा दुश्मनी करने से पहले ये नहीं देखता कि आपके पास ऑलरेडी कितना पैसा है। आपने वीजे सिद्धार्थ का नाम तो सुना ही होगा, मशहूर इंडियन कॉफी चेन कैफे कॉफी डे के फाउंडर। दिस मैन टुक इंडियन कॉफी एंड कल्चर इंटरनेशनल। सीसीडी हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट हैंगआउट एंड मीटिंग प्लेस भी रहा है। 29 जुलाई 2019 को इन्होंने सुसाइड किया और खुद की जान दे दी, एंड द रीजन फॉर दिस वाज अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लॉसेस इन हिज बिजनेस। अब सोचो, जब एक इंसान जिसने एक ग्लोबल ब्रांड एस्टैब्लिश किया, अंधाधुंध पैसा कमाया, उसके बाद भी इतना बड़ा कदम उठाना इज अ ह्यूज एग्जांपल ऑफ द फैक्ट दैट मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस कैन टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। सिर्फ यही नहीं, हमारे देश में हजारों केसेस ऐसे हुए हैं जहां लोगों ने अपनी फैमिलीज तबाह कर दी, अपनी जान गंवा दी, और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि वो कर्ज में थे और लोन की किस्तें चुका नहीं पा रहे थे। जैसे कि इंदौर में एक शख्स ने रिकवरी एजेंट्स के प्रेशर की वजह से पहले अपनी बीवी और बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। एक जमाना था जब लोग अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चे की शादी या पढ़ाई के लिए मजबूरी में लोन लिया करते थे, बट दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है ना कि डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स और हमारे दिमाग को नीड्स और वांट्स के बीच का डिफरेंस दिखना बिल्कुल बंद हो चुका है। अब लोन्स और कर्जा
एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। हम लोगों ने अपनी स्पेंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी है कि जहाँ एक इंसान की नीड एक 6 लाख रुपए की 4-व्हीलर है, वहीं पे वो 20 लाख रुपए की गाड़ी ईएमआई पे खरीद के आ जाएगा, क्योंकि अब कुछ भी खरीदना बहुत आसान हो चुका है। हमारा कंट्रोल, हमारा फोकस और हमारा पेशेंस तीनों एक साथ खत्म होते चले जा रहे हैं। हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन और डिमांड को बढ़ाने के लिए उसकी इन्वॉल्वमेंट हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दी जाती है। जैसे कि पहले जब हमारे देश में 1.5 GB डेटा पूरे महीने यूज़ होता था और उसमें भी कुछ ना कुछ बची जाता था, वैसे ही जियो के आते ही पूरे देश में 1.5 GB डेटा एक दिन की रिक्वायरमेंट हो गई और आज हम सब पूरे महीने में 45 GB से भी ज़्यादा डेटा यूज़ कर रहे हैं। वी हैव वाईफाईज, बूस्टर्स और भी ऐसी ढेरों चीज़ें जिससे हम सरप्लस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली, जब तक कर्ज लेने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रही, तब इंसान मजबूरी में भी कर्ज लेने से डर रहा था। और आज विद द प्रेजेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन आवर पॉकेट्स, लोन एप्लीकेशंस इन आवर मोबाइल फोन्स, लोन लेना हमारे लिए कैजुअल सी बात हो। अब हम लोन लेने से पहले जरूरत नहीं सोचते और हमारी यही सोच की कमी की वजह से हम एक ऐसे गड्ढे में जा रहे हैं जहां पे अशांति, स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट्स, डिप्रेशन और शायद मौत भी हो सकती है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना चाहता हूँ सो दैट आई कैन इन सम वे हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको मजबूरी में भी लोन लेना पड़ रहा है तो हाउ कैन यू मैनेज इट। और सिर्फ यही नहीं, इस ट्रैप के अंदर भी बहुत सारे ट्रैप्स हैं जिनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फाइनेंसिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते और आप ये समझना चाहते हो कि वॉट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम सच अ ट्रैप, तो ये वीडियो आपके लिए खजाने से कम नहीं होने वाला। दूसरी बात, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग लोन के ट्रैप में फंसे हुए हो एंड यू आर हेल्पलेस क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू रियली डील विद दिस सिचुएशन, तो मैं ये आपको अभी बता देना चाहता हूँ दैट वील बी टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस आल्सो इन दिस वीडियो। और तीसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो और हर थोड़े समय में आप एक्सटर्नल सोर्सेज पे फंड्स के लिए डिपेंडेंट होते हो, देन आई पर्सनली वांट टू रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एक वन स्टेप मिस्टेक नहीं है, इट्स अ कंप्लीट पैटर्न। ये एक बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर विच स्टेज बाई यू इफ यू डू नॉट स्टॉप इट इमीडिएटली। ये एक ऐसी केयरलेसनेस है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड करियर गोल्स सब कुछ इम्पैक्ट करता है। लेट मी बी वेरी प्रिसाइज, सबको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। हम लोग धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। आई टेल यू हाउ। आप अपनी कोई भी जरूरत की चीज़ लेने चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक वॉशिंग मशीन, एक मोबाइल फोन या फिर एक लैपटॉप या कुछ भी, हर जगह आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशल ऑफर्स ऑन ओनिंग अ क्रेडिट कार्ड या फिर पेइंग फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड। ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि कितने लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी और कितने लोगों को कोई परचेज करते टाइम ऐसा लगा है कि यार काश मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता। मुझे भी लगा है। हम काफ़ी बार परचेज करने से पहले अपने दोस्तों या रिलेटिव से फोन करके भी पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये वाले बैंक का क्रेडिट कार्ड है क्या। वी बिकम सो डेस्परेट टू ओन दैट क्रेडिट कार्ड और टू एटलीस्ट अवेल इट्स बेनिफिट्स कि हमें क्रेडिट कार्ड का ना होना एक कमजोरी लगती है और क्रेडिट कार्ड होना एक नेसेसिटी। दिस इज साइकोलॉजिकल हैमर नंबर वन, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ना होना हमारे दिमाग में खटकने लगता है। कभी सोचा आपने कि ये सब के सब मिलके ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर हमें लोन लेने की, कर्ज के पैसों पे जीने की आदत पड़ जाए। इस गेम के पीछे है कौन कौन, कौन चला रही है मैट्रिक्स। नाउ फिर हम एक दिन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं किसी मॉल में और वहां हमें बड़े बड़े ब्रांड्स दिखते हैं, लग्जरी आउटलेट्स एंड व्हाट नॉट, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो चीज पसंद आती है वो हम खरीद नहीं पाते। और जब हमें इस बात का ऑलरेडी बुरा लग ही रहा होता है, तभी एक जेंटलमैन इज राइट देयर नेक्स्ट टू अस जो हमें एक सुनहरा ऑफर देता है क्रेडिट कार्ड बनवाने का, एंड वी फॉल फ्लैट फॉर इट। एंड दिस इज साइकोलॉजिकल हैमर नंबर टू। पहले आपके दिमाग में एक नीड क्रिएट होती है और राइट टाइम पे आपको वो चीज ऑफर भी कर दी जाती है। फिर जब आप इस चीज की डिटेल में जाते हो तो आपको दिखाई जाती है इनसेन बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स ऑन फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, शॉपिंग फ्रॉम बिग क्लोथिंग ब्रांड्स, सैलॉन्स, स्पास ऑफर्स, कॉम्बोज, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एंड लॉट मोर। बट देयर इज वन थिंग कॉमन इन ऑल ऑफ देम, ये सब कुछ लग्जरी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स हैं, नन ऑफ देम इज अ नेसेसिटी। एंड दिस इज द रियल कैच। क्रेडिट कार्ड को हमारे एल्डर्स की भाषा में मीठे खर्चों का सौदा भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो इंसान को शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, इंस्टेंट डोपामाइन्स फ्रॉम शॉपिंग, इसके अगेंस्ट में देना होता है। और हमने तो वैसे भी छोटी सी जिंदगी है, कल किसने देखा है, जो ऐश करनी आज कर लो वगैरह वगैरह, ये वाला रूल तो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ही लिया है। फिर जब आप क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हो तो आपके पहले एक्सपेंडिचर पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपको आपके बिल्स, ट्रैवल्स, लीजर्स, इन सब पे काफ़ी बेनिफिट शो किए जाते हैं। पर आप वो पॉइंट्स एक सर्टेन नंबर तक पहुंचने के बाद ही रिडीम कर सकते हो। तो अब आप एग्जिस्टिंग पॉइंट्स के लालच में और खर्चा करते हो, और पॉइंट्स बिल्डअप कर लेते हो, फिर ये कलेक्टेड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आप और खर्चा करते हो। हंसी आती है मुझे ये सोच के कि कर्ज लेने के लिए और कर्जदार बने रहने के लिए कैसे आपको मोटिवेट किया जाता है और हम कभी इसके बारे में गौर से सोचते भी नहीं है। जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड द पार्ट स्टेप बाई स्टेप
कैसे आपको एक नॉन कंज्यूमर से रेगुलर कंज्यूमर बना दिया गया और आपको इसकी भनक भी नहीं लगी। चलिए समझते हैं इन्हें एक एक करके। पर उससे पहले आई जस्ट वांट अ क्विक फेवर फ्रॉम यू। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है एंड यू वांट टू लर्न मोर सच थिंग्स और आप हमारे चैनल से कुछ नया सीख पा रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ, हर उस इंसान के साथ जिसकी आप फिक्र करते हैं, उनके साथ शेयर जरूर करना ताकि वो कभी भी इस तरह के किसी ट्रैप में ना फंसे, और अगर फंस चुके हैं तो निकलने में थोड़ी आसानी जरूर हो। एंड डू शेयर योर फीडबैक्स विद अस, क्योंकि इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के वीडियोज बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना अच्छा फील होता है। तो इस चैनल पे इस तरह के इन्फॉर्मेशनल, इंटरटेनिंग और आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली है, वर्ल्ड, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेन एवर न्यू वीडियो विल गेट अपलोडेड ऑन दिस चैनल। सेटिंग्स में भी एक बार चेक जरूर कर लेना, मेक श्योर ऑल योर नोटिफिकेशंस आर टर्न्ड ऑन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हैं पर हम ये भूल जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंसेस करने पे हमारे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है लाइफ के हर छोटे बड़े एक्शन के साथ। आपने मूवी टिकट्स क्रेडिट कार्ड से खरीद ली, यू पेड योर रेस्टोरेंट बिल विद क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग करने के बाद क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा दिया, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव मल्टीपल लोन्स नाउ। ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं कि पे लेटर को पे नेवर समझ लेते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि बाद में या अभी पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। लोगों को लगता है कि वो जो 40-50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है ना, उसमें वो अमाउंट रीपे कर देंगे, पर डेटा ये कहता है कि 90% से ज्यादा लोग भी ऐसा नहीं कर पाते और फिर इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करते हैं या फिर उसकी भी ईएमआई बनवा लेते हैं। जहां पहले एक जमाने में लोगों के हाथ में सेविंग्स का जादू होता था, उनको सेविंग्स की समझ थी, वहीं आज सेविंग्स करना तो बहुत दूर, अपने सैलरी से कई गुना ज्यादा लोग खर्चा कर देते हैं एवरी मंथ ऑन रिपीट। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, और फॉर्चुनेटली यंगस्टर्स की जेब में पैसे भी हैं, और नहीं भी हैं तो लोन्स तो हैं ही। एक्चुअली नाउ पीपल नो हाउ टू अर्न मनी but they have no clue how to manage it. The simple rule of managing money is कि आपकी सैलरी में से सबसे पहले कुछ हिस्सा सेव होगा, फिर इन्वेस्ट होगा, और फिर एक फिक्स्ड अमाउंट आप अपनी नीड्स या वांट्स के लिए निकाल सकते हो। इससे आपकी लाइफ में वो सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी जिसमें आपको सैलरी आने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका अकाउंट एकदम खाली पड़ा है। I work with a lot of youngsters and I have experienced it कि हमारे देश का युवा अच्छा पैसा भी बना रहा है पर सैलरी आने के 10-15 दिन में ही they are back to square one. You need to plan your finances. अगर आपको हर महीने कोई डेट्स क्लियर करने होते हैं तो make it a priority to get rid of those debts first. हाँ मुझे पता है बोलना आसान है पर करना नहीं है, पर भाई करना तो पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा, भले ही कुछ दिन आपको अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कम करना पड़ जाए। कुछ महीने तक कोई शॉपिंग ना हो, किसी की शादी ब्याह या किसी भी फंक्शन में मत जाओ, कोई दोस्ती यारी पार्टी वार्टी कुछ नहीं, अपने स्टैंडर्ड को बिल्कुल गिरा के ही सही, पर पैसा बचा के कर्ज को पूरी तरह से चुका देने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो ये चैन से जीने भी नहीं देगी, अपनी जिंदगी में ग्रो करने की बात तो बहुत दूर है। बस कुछ महीनों के लिए लिव अ मिनिमल लाइफ, अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा डेट चुकाने के लिए निकाल दो एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वांट्स, क्योंकि जो डेट लिया है वो चुकाना तो पड़ेगा। और इसी के साथ आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि आप कभी भी कोई ऐसी चीज ना फाइनेंस करवाओ जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी सैलरी के 30% से ज्यादा हो। तो सिंपली एक बजट बनाना है, अपने एक्सपेंडिचर को डिफाइन करना है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट सबसे पहले निकाल लेना है, देन यू विल सी हाउ कंट्रोल्ड मनी बिहेव्स। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जब एक पोटेंशियल कस्टमर को समझाया जाता है तो कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं जैसे कि जीरो इंटरेस्ट पीरियड, नो कॉस्ट ईएमआई, नो हिडन चार्जेस, बट इफ यू आर नॉट केयरफुल यू कैन बी इनसाइड अ हेवी ट्रैप। जब भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं हमें शुरुआत में एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑफर किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस ड्यूरेशन में अपना क्रेडिट कार्ड अमाउंट रीपे कर देते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड में आपको 15-20 दिन का या फिर किसी किसी बैंक में 40-50 दिन का एक रीपेमेंट विंडो मिलती है जिस ड्यूरेशन के अंदर आपको ये क्रेडिट अमाउंट वापस करना पड़ता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ड्यू डेट्स आर द रियल वे आउट ऑफ द डेट ट्रैप। इस ड्यू डेट से पहले ही अमाउंट किसी भी हालत में आपको जमा करवा ही देना चाहिए। यूजुअली जब हमें क्रेडिट कार्ड पिच किया जा रहा होता है तो हम एक सवाल जरूर पूछते हैं कि अगर रीपेमेंट डिले हो जाती है तो इंटरेस्ट चार्जेस कितने होंगे, एंड बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स यहां थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं। वो आपको बोलेंगे फॉर एग्जांपल कि द इंटरेस्ट रेट इज 2.5% और 4%, और हमें लगता है कि साल का 3-4%, अरे इतना तो हम दे ही देंगे। बट द कैच इज कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर मंथ अप्लाई होता है,
It's not annual. According to the calculation, annual rate of interest according to this will be around 30% to 48%, which is way too much. मतलब अगर 1 लाख का कर्ज है तो साल भर में लगभग 48,000 रुपए का तो आप इंटरेस्ट ही पे करो। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आप बनवाने की सोच रहे हो, दिस इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि लोग यूजुअली कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ सेटिंग द होल डेट, पूरे अमाउंट को पे करने की जगह वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड को एक्टिव रखने पे फोकस करते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आपका कार्ड तो एक्टिव रहेगा बट जो क्रेडिट्स अनपेड है उस पर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग पे लगता चला जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आता है जिसपे आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे होंगे एंड प्रिंसिपल वैसा का वैसा रहेगा। बहुत से केसेस में लोग कर्ज के अमाउंट का डबल भी पे कर देते हैं, पर वो सब ब्याज होता है उसका उधार, वो प्रिंसिपल अमाउंट वैसे का वैसा पड़ा रहता है। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं, ये सोचकर कि थोड़े टाइम में फोरक्लोजर करवा देंगे, पहले ही सारा अमाउंट पे कर देंगे और सारा इंटरेस्ट बचा लेंगे। बट डू नॉट फॉरगेट, बैंक्स हमसे थोड़ा ज्यादा समझदार होती है, ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमसे थोड़ा ज्यादा समझदार होते हैं, और लोन फोरक्लोजर करवाने के भी चार्जेस होते हैं जो आपको टोटल अमाउंट पे देना पड़ेगा। इसमें भी आपके पैसे का नुकसान होगा ही होगा, सो नेवर रिलाई ऑन फोरक्लोजर एज द वे आउट। क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट द ओनली ट्रैप। लोग मजबूरी में लोन ले लेते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। कई केसेस में लोगों का सिबिल और क्रेडिबिलिटी काफ़ी ख़राब होती है जिसकी वजह से उन्हें बैंक्स लोन नहीं देती, और अब वो इंसान मजबूरी में प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाता है। अब ये प्राइवेट मनी लेंडर्स जो ब्याज पे पैसा चढ़ाते हैं, वो जानते हैं कि उनके पास किसी इंसान के आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, उस इंसान का ख़राब सिबिल स्कोर, और उन्हें पता है कि इसे बैंक से लोन नहीं मिल रहा, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी हाई कर देते हैं, क्योंकि मजबूरी में इंसान को लोन लेना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर स्लैब्स लगाए गए हैं टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, बट लोगों को इन स्लैब्स के और गाइडलाइंस के बारे में पता ही नहीं है। ये प्राइवेट मनी लेंडर्स 1 महीने का 10 से 15% इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ बोरो किया है तो आपको उस पर हर महीने 1,000 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। Everything in this world is digital now, and so are the ways of credits. हमारी कंट्री में बहुत सारे instant loan applications भी launch हो चुके हैं, जिसकी मदद से आप कुछ documents submit करवा के instantly पैसे borrow कर सकते हो। But अगेन डो नॉट फॉरगेट, मजबूरी और अय्याशी दो अलग अलग चीज़ें हैं, और हाँ, जहाँ कुछ रियल एग्जिस्ट करता है वहीं पर डुप्लीकेट्स भी ज़रूर होते हैं। ऐसे ही कुछ चाइनीज़ ऐप्स भी मार्केट में हैं जो आपको बिना किसी खास डॉक्यूमेंटेशन के पैसे दे तो देती है, पर आपकी गैलरी और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेती है, फिर वो उस एक्सेस के साथ वो सब करते हैं जो हमारे लिए एक नाइटमेयर है। आपकी फोटोज़ को यूज़ करना, आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना, आपकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करना, ये सब ना करने के लिए वो आपसे मांगते हैं एक रकम, और इसी प्रेशर में बहुत से मासूम लोगों की जान चली जाती है। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप कभी भी ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, प्लीज़ स्पीक अबाउट इट। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेकर रखना ठीक बात नहीं है। टेल योर पेरेंट्स, योर फैमिली एंड ट्रस्ट मी, दे विल सपोर्ट यू, पर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपके पीछे आपके परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। जब आपका पैसा कंट्रोल्ड होता है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर होती हैं, तो आपका फ्यूचर कम रिस्क में होता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखो कि कहीं भी कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें इमीडिएट कैश चाहिए हो, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप नीड और वॉन्ट्स में किए गए खर्चे को मॉनिटर कर पाओगे। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहता हूँ कि लोन्स या क्रेडिट्स बुरे नहीं हैं, पर अगर इन्हें किसी कैजुअल रीज़न से या आदत की वजह से यूज़ किया जा रहा हो या लिया जा रहा हो, तो ये आपके करियर, आपकी ग्रोथ, आपका पीस, हैप्पीनेस, इन सब में दीमक की तरह काम कर सकता है। ज़रूरत में लोन लिया जा सके, लोन्स इसीलिए बने थे, पर ये हमारी अनअवेयरनेस और बेवकूफ़ी के चक्कर में हर दिन एक और बड़े बिजनेस में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। सो इट इज़ रियली अ हाई टाइम टू बी अ कॉन्शियस कंज्यूमर। जागो ग्राहक जागो। आई होप इस वीडियो से कुछ चीज़ें ज़रूर क्लियर हुई होंगी। इन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, तो उस तक ये वीडियो पहुँचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। वेट, जाने से पहले कि आप ये जानना चाहते हो कि गरीब गरीब क्यों होता है, अमीर अमीर क्यों होता है, एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हमें कभी नहीं सिखाती, पर गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, विराट कोहली जितने भी बड़े बिलियनियर्स हैं उन सब की कामयाबी का असली कारण वही है। अगर आप जानना चाहते हो, राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना, समझ जाओगे।